सहारा में एडमिट रहा, आईसीयू, आईसीयू से बाहर। मैं लास्ट टाइम जब लखनऊ आया था तो मैं दीपक से मिलने गया था, और उस टाइम पे सुबह जो हमारे लीडर्स मिलके आए तब ये ठीक था, शाम को मैं गया तो फिर आईसीयू में पहुंच चुका था। बट देन आपके फैमिली मेंबर थे वहां पे जिन्होंने मेरी एंट्री करवाई। मैं था और हमारे सुजॉय सर थे और कौन था, रजत थे शायद, हम लोग तीन चार लोग थे। एंड ये हाथ जो आप देख रहे हैं ना, ये हाथ पेट से चिपका दिया था डॉक्टर ने, क्योंकि हाथ पे मांस नहीं था, पेट से चिपका दिया था, तो उसके टिश्यूज ट्रांसफर होते हैं और उसकी वजह से थोड़ा मांस वास उस पर आए, करेक्ट। एंड तो वहां से जो मैंने देखा, मैंने सुबह आके भी पूछा, किसको पूछा था मैंने, अंजुम को, हिमांशु को पूछा कि आप ही लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों ने बहुत मना किया, फिर भी आने की जिद लेके बैठा हुआ था कि आना है। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि मतलब यार जुनून अगर किसी का होना तो इस तरह का होना चाहिए, कि इसके इसके हाथ को सही होने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन इस लड़के का जज्बे को मैं सलाम करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा कि बिजनेस के लिए और स्मार्ट वैल्यू के लिए, अगर वैसे सब प्यार करते हैं बट ये प्यार ना कुछ अलग किस्म का है, ऐसा प्यार स्मार्ट वैल्यू में मिलता है, ऐसा प्यार स्मार्ट वैल्यू में मिलता है। इसलिए दीपक मैं कंपनी के तो फिर तुरंत मैंने रजत सर का ईमेल आईडी मैंने लिया उमेश सर से, और मैं मेल भी किया कि मैं गोल्ड फॉरम में मैं जा रहा हूँ। तो सर ने रिप्लाई भी किया, अभी अभी मैं रिप्लाई देखा, मैं रिप्लाई भी नहीं देखा रिप्लाई आया कि नहीं आया, बस एक जुनून था कि नहीं प्रोग्राम में जाना है। और किसी भी अपलाइन को भी मैंने नहीं बताया था, टीम में भी किसी को नहीं बताया था कि मैं गोल्ड फॉरम में आ रहा हूँ। और कल फैमिली वाले को मैं बोला कि नहीं मीटिंग है जाना है, तो घर वाले बोले कि नहीं ठीक है जाना है तो ड्राइवर साथ में ले लेना, कार से जाओगे तो ड्राइवर ले लेना। मैं बोला अच्छा ठीक है ड्राइवर ले लेंगे, बट जुनून था प्रोग्राम में आने का। 450 किलोमीटर में एक हाथ से मैं खुद ड्राइव करके चलाया मतलब इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और मैंने सीनियर लोगों को बोला कि नहीं ये सभी लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, बट स्मार्ट वैल्यू के प्रति जो जुनून है, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे, और शायद आज मैं जिंदा हूं तो स्मार्ट वैल्यू की वजह से। तो जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में था, मेरा सफायर लेवल में कुछ अभी स्टेप कम था, लेकिन मिस्टर मनोज सर और दीपक सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी गौरव सर से उन्होंने बात किया, कंपनी पर सभी लोग मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा बात की। मेरा भी स्टेप कम भी था, फिर भी मेरा सफायर का बोनस भी आया और अच्छे से इलाज भी, और उस इलाज की वजह से मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ। शायद वो पैसा मेरे पास नहीं होता तो उतने बड़े हॉस्पिटल में जहां पे मेरा इलाज चल रहा था, मेरा कोई हैसियत नहीं था कि मैं उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाऊं। लगभग 12-13 लाख रुपए खर्चा हुआ और ये सारा पैसा स्मार्ट वैल्यू से मतलब मैंने इनकम किया था, जिसके वजह से मैं कहेंगे मैं खुद को जिंदा कर पाया। तो बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो नहीं पा रहा हूँ। ये जो ताकत तुमने दिखाई है ना, ये बहुतों को जज्बा देगी। और मैं तो ये सोच रहा था कि आज इतने ही लोग क्यों हैं, ये मोमेंट मैं हर एक एसोसिएट को बताना चाहता था कि जो लोग स्मार्ट वैल्यू क्यों कहते हैं ना कि ये ऐसा है इसमें वैसा है ऐसा ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। अगर स्मार्ट वैल्यू कुछ है ना तो ये है, ये पागलपन और ये जुनून जो है ना स्मार्ट वैल्यू, और स्मार्ट वैल्यू का नाम अगर मन में बसा है ना तो जिंदगी जाकर भी वापस आ सकती है। दीपक उसका एग्जाम्पल है। दीपक थैंक यू सो मच, आप आए बैठिए।